क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है, शो दैट माइनस वन प्लस रूट थ्री आई द होल क्यूब इज अ रियल नंबर। तो उसने क्या बोला है, इसको सॉल्व करके बताओ कि रियल नंबर आंसर आ रहा है। रियल नंबर मतलब क्या, उसमें इमेजिनरी नहीं बचना चाहिए, मतलब आई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। सो व्हाट विल डू, वी विल सॉल्व दिस एंड विल ग्रेजुअली मतलब सी दैट आई है ही नहीं उसमें और रियल नंबर प्रूव हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले इधर दिख रहा है सम टर्म्स द होल क्यूब है। आपने स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा याद है क्या, एक्स प्लस वाई द होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। वी आर यूजिंग सेम, इधर मैंने बोला ये मेरा एक्स है, एक्स कौन मेरा इधर माइनस वन, और वाई कौन है मेरा जो प्लस के बाजू में पूरा होता है, ये पूरा वाई कौन रूट थ्री आई, ये पूरा वाई है। लेट्स पुट दैट इन फॉर्मूला सॉल्व आंसर, लेट्स डू इट। एक्स क्यूब, एक्स कौन मेरा माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस वन का स्क्वायर इंटू वाई, हु इज वाई रूट थ्री आई, समझा। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स, वाई स्क्वायर कौन रूट थ्री आई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब मतलब रूट थ्री आई द होल क्यूब। इज इट क्लियर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आ रहा है। लेट्स सिंप्लीफाई, माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन कितना माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन, और ये अब ऐसे रखता हूँ मैं रूट थ्री आई प्लस, या लेट्स डू दिस, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, फिर से करें एक बार, प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, ये स्क्वायर दोनों को बटेगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री एंड आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, जमरा आपको ओके। इधर रूट थ्री का क्यूब, डू यू अंडरस्टैंड रूट थ्री का क्यूब करते हैं भाई, रूट थ्री का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, आपको डायरेक्ट आता है कोई टेंशन नहीं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री इंटू रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा ये थ्री रूट थ्री होगा। सो रूट थ्री का क्यूब कितना हुआ थ्री रूट थ्री, ओके सो रूट थ्री का क्यूब थ्री रूट थ्री और आई का क्यूब आई क्यूब, इतना जम रहा है, वी आर गोइंग प्रिटी स्लो ओके। सो माइनस वन थ्री वन जा थ्री, थ्री इंटू रूट थ्री आई थ्री रूट थ्री आई, ये भी क्लियर है ओके। माइनस थ्री और ये थ्री नाइन, आई स्क्वायर के जगह माइनस वन जमा, थ्री थ्री जा नाइन, आई स्क्वायर के जगह माइनस वन प्लस थ्री रूट थ्री आई क्यूब मतलब क्या होता है भाई माइनस आई, रट्टा मारे हैं हम, माइनस वन प्लस थ्री रूट थ्री आई माइनस माइनस प्लस नाइन प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री रूट थ्री आई, अरे जम रहा है या नहीं, कुछ काटा कुटी हो रही है, ओ यस प्लस रूट थ्री आई माइनस थ्री रूट थ्री आई, कट कट क्या बचा माइनस वन प्लस नाइन, या तो नाइन माइनस वन एट, ए इसमें आई नहीं है, अरे हाँ या नहीं, सो देर इज नो इमेजिनरी टर्म, तू सिर्फ क्या है रियल। याद है अपन ने बेसिक्स में किया है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, अपन ने उधर किया था याद है क्या, इफ b इज जीरो तो z में क्या बचेगा सिर्फ a विच इज प्योरली रियल, बेसिक्स काम आता है भाई, इधर इमेजिनरी है ही नहीं i है ही नहीं तो तू सिर्फ कौन है रियल। अब मैंने क्या बोल दिया, हेंस क्या माइनस आई सॉरी माइनस वन प्लस रूट थ्री आई द होल क्यूब, ये जो क्वेश्चन है दिस इज इक्वल टू एट विच इज अ रियल नंबर, ये आप आगे लिख देना समझे, हेंस ये क्वेश्चन इज इक्वल टू एट आया, दिस इज अ मतलब ये जो एट है ये रियल नंबर है, हेंस लिखा विच इज अ रियल नंबर, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट वन प्लस आई रेस टू टेन प्लस आई रेस टू ट्वेंटी प्लस आई रेस टू थर्टी इज अ रियल नंबर। फिर आपको आंसर में क्या आना चाहिए, फाइनली आई नहीं मिलेगा तो विदाउट आई वाला आंसर आना चाहिए, जैसे याद है अपन ने अभी थर्ड क्वेश्चन में किया था कि उधर रियल नंबर बताना है, एनीवेज सेम। सो क्या करेंगे आप, हायर पावर्स इधर ही सॉल्व कर ले, आई रेस टू टेन, टेन को फोर से डिवाइड किया कितना फोर टू जा, सो आई रेस टू टेन को कैसे लिखा आई रेस टू फोर टू जा फोर टू जा एट, और कितना रिमाइंडर बचा बेटा टू, जमा ना टेन को फोर से डिवाइड करो फोर टू जा एट और टू रिमाइंडर, ट्वेंटी को डिवाइड करो
फोर फाइव ज़ा 20 और रिमाइंडर बचा 0, प्लस 30 को 4 से डिवाइड करो, 4 सेवन ज़ा 28 और रिमाइंडर बचा 2, जम रहा फटाफट। 1 प्लस आई रेज टू 4 1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई रेज टू 4 1 रेज टू 5 आई रेज टू 0 1 प्लस आई रेज टू 4 1 रेज टू 7 आई स्क्वायर माइनस 1। वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। आई स्क्वायर 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 रेज टू 5 1 1 1 जा 1 प्लस 1 रेज टू 7 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। क्या दिख रहा है भाई, 1 प्लस माइनस 1 ये दिख रहा है, या आपको और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो यार, कोई टेंशन नहीं। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 0, और सिंपल टर्म्स कट 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 कट, ये दोनों कट और ये दोनों कट, आंसर आया 0। इसमें आए है क्या? नहीं, मतलब तू गारंटी कौन है, रियल नंबर तो इधर ही बोल दो, विच इज़ अ रियल नंबर। समझ आना कैसे किया, इसका आंसर आया 0 और अपन को क्या बताना था भाई, कि तू रियल नंबर है तो आ गया रियल नंबर, क्लियर है। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ब्रैकेट में क्या लिख के दिए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में करना क्या है, देखो समझो, मैंने 8th का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से मेरे को x और y की बेसिकली वैल्यू ढूंढ के निकालना है। अब यार ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इनमें यार आपको x और y की वैल्यूज ढूंढनी है, 8th का फर्स्ट एंड 8th का सेकंड। अब प्रोसीजर क्या है देख समझना, अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले क्या सीखा था, इक्वालिटी सीखा था, याद है क्या? इधर है ना, अपन इक्वालिटी यूज़ करने वाले, कैसे देखो मैं 2-3 स्टेप्स करता हूँ, आपको समझेगा कि इक्वालिटी क्यों यूज़ किया और कैसे यूज़ किया, ध्यान देना। पहले सिर्फ समझो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। देख सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ ना, ये 4i जो है ना इसको इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 4i हो जाएगा, उतना आपको समझता है, वो करते हैं। तो क्या बोला मैंने, x प्लस 2i प्लस 2x माइनस 3y इंटू आई इज इक्वल टू 5, तो था 4i उधर गया तो 5 माइनस 4i, इतना क्लियर है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अपन ने किया क्या था, आपको याद आ रहा है, z1 इज इक्वल टू z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, मतलब इक्वल टू का साइन दिया है, z1 इज इक्वल टू z2 मतलब उनके रियल पार्ट इक्वल है, उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, आपको दिख रहा है इधर, बट वो कब कर सकते हैं, व्हेन इक्वल टू के साइन में इधर और इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। मतलब क्या देख, ध्यान दे, इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको, हाँ, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, दिख रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, बीच में माइनस साइन है, बट यू सी हियर इज रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, हाँ, तो इक्वल टू के वो साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल टू के ये साइड में दिख रहा है आपको, इसके पास आई नहीं आपको दिख रहा है, तो दिस इज द रियल पार्ट, और इसके पास आई है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, तो ये दिख रहा है ए प्लस आई बी, दोनों साइड एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, वी विल बी यूजिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके पहले ये भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख देते हैं, सो दैट आपको थोड़ा ईजी गिरेगा, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y इंटू आई, और इधर देख कैसे लिखा, 5 प्लस माइनस 4 इंटू आई, समझ में आ रहा है, अपन ने किया है राइट, पहले भी वो सेकेंड वाले क्वेश्चंस किए थे याद है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, तो ऐसे किए अपन, ये देख रहे अब a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी बीच में इक्वल टू का साइन, क्या बोला, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल सकते हैं अपन, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों का मतलब इक्वल टू के ये साइड, इक्वल टू के वो साइड, दोनों रियल पार्ट्स इक्वल है, हु विच आर द रियल पार्ट्स, एक्स प्लस टू वाई एंड फाइव, तो अपन ने क्या बोल दिया, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर 1। एंड एक और चीज़ क्या मिल रही है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल, तुम्हारा इमेजिनरी कौन, 2x माइनस 3y और तेरा कितना, माइनस 4, समझ आया ना, देख a प्लस आई ये b है, a प्लस आई ये b है, तो दोनों इक्वल हो गए, हाँ या नहीं, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, x और y मिलेगा या नहीं, अरे ये तो आपने कितने बार किया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बराबर, आपने वो किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बराबर, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ आप, ऐसे ही करते थे, मतलब मेरे भाषा में देखो ऐसा कि x और y दो वेरिएबल्स है, इनका कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, हाँ फिर ऐड सेपरेट करेंगे आंसर, किसका कोएफिशिएंट बनाने का सेम, किसका भी बना सकते हैं यार आप, x का भी बना सकते हैं, y का भी बना सकते हैं, इधर ज़्यादा इजी किसका है, x का इजी है दिखता है,
इधर 2x है, इधर सिर्फ x है, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। हाँ या नहीं? आप y का भी बना सकते हैं यार, इधर 2y है उधर 3y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे। जब अगर आपको y करना है तो जो भी आपका सही लगता है आप करिए, मैं किसका बना रहा हूँ, x का। तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये पूरा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2y 4y, 2 इंटू 5 10। दिख रहा है? अब ये अब दिख रहा है, तेरा भी 2x, तेरा भी 2x। अब तुम दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों का साइन सेम है, वी विल सब्ट्रैक्ट। सही बोले आप, इसको बोल दिया इक्वेशन 3। तो अब मैंने क्या बोल दिया, सब्ट्रैक्टिंग, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको भी करो, कोई टेंशन नहीं है। 2 को 3 में से कर लें, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं 3 में से, तो ऊपर भाई 3 आएगा भाई, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, उसमें से क्या जा रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। क्या हो रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट, तो आई लीव सम स्पेस ओवर हियर सो दैट वी कैन राइट द साइंस, ओके। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसे होता है। 2x माइनस 2x मौत, अरे हाँ या नहीं, 4x प्लस सॉरी 4y प्लस 3y कितना, 7y, 10 प्लस 4 14, ओहो हो क्या मिल जाएगा इधर से आपको, 7y आया आपको 14, देयरफॉर y कितना आ गया, 14 अपॉन 7 कितना, भाई आ गया। क्या करेंगे, उठा के कोई भी इक्वेशन में डाल लेगा, सबसे इजी कौन सा, वन है दिख रहा क्या, क्या बोला, पुट y इज इक्वल टू किस में डाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं भाई, 1 2 3, ऐसा नहीं बोलना सर 2 और 3 यूज़ किया तो उसमें ही डाल सकते हैं, नॉट नेसेसरी, यू कैन पुट दैट इन इक्वेशन 1 एज वेल, क्योंकि सिंपल टर्म्स में ये आया किधर से, इसके पास से आया दिखता है क्या, एनीवेज आपको समझता रहेगा। y इज इक्वल टू 2 किस में डाल रहे हैं अपन, इक्वेशन 1, यू कैन पुट इन एनी इक्वेशन सर। और अभी से एक तरीका समझ लेना, जब भी अपन ऐसा कोई वैल्यू कोई इक्वेशन में डालते हैं ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो इक्वेशन में अपन पुट कर रहे हैं ना, फर्स्ट लेट्स राइट दैट इक्वेशन डाउन एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आर यू गेटिंग। तो इक्वेशन 1 पहले मैं लिख रहा हूँ क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इससे क्या है ना, एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि कौन सा इक्वेशन में आप डाल रहे हो, वो इक्वेशन आपने लिख दिया, चल रहे वाह वाह कर दे, x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो x कितना 5 माइनस 4, x कितना 1 आया, x 1 y 2 बोल दिया, फाइनल आंसर क्या, x इज 1 एंड y इज 2, ओहो मेरे आंसर। समझाइए क्वेश्चन कैसे किया है आपको, इधर क्लिक हुआ इक्वालिटी, अब कैसे यूज किया अपन ने, a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, तो अब इक्वालिटी वाले सम आप कर सकते हैं, सेकेंड वाला खुद करेंगे खुद से, सही है। नेक्स्ट, अब ये जो 9th क्वेश्चन है ना, ये दोनों भी एकदम यूनिक टाइप के हैं, बट दोनों के लिए मैं आपको एक प्रोसेस दूंगा, एक प्रोसीजर दूंगा, वो फिक्स्ड स्टेप्स फॉलो करना ईजी रहेगा, टेंशन नहीं। अब कैसा होता है ना यार मैथ्स में, देखो यू डोंट हैव टू बाय आउट द सम्स, बट यू हैव टू बाय आउट फॉर्मूले एंड समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो डेफिनेटली आपको बाय आउट करना पड़ता है, मतलब याद रखना पड़ता है, बेसिकली ऐसा है, सम नहीं रट्टा मारने का यार वैसे। एनीवेज, तो अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपन को इसका वैल्यू निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है। तो आपको इधर क्या किया है, ये इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, ये जो पूरा टर्म्स है इसका वैल्यू निकालना है, एंड यू आर गिवन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है। देखो आपको ऐसा लगता रहेगा सर ये एक्स उठा के डाल दो इधर, यू कैन डू दैट, बट दैट विल मेक सम वेरी लेंदी, और नेक्स्ट ये तो भी चल रहा, अगर हो भी गया ना तो नेक्स्ट सम तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कब, जब आपने ये एक्स उठा के इधर डाला, x के जगह डाला 2 प्लस 3i का क्यूब माइनस 2 प्लस 3i का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3i प्लस, तो दैट विल बिकम अ बिट लेंथियर। इधर ना कुछ स्टेप्स है जो अपन को फॉलो करना है, आप ध्यान देना क्या करने का मालूम है ये क्वेश्चन में, ध्यान देना, सबसे पहले ना जो x दिया हुआ है ना उसको लेने का, तो कौन है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इतना क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, देख ये प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, व्हाट आई मीन बाय प्रॉपर फॉर्म इज, ये जो x वाला दिया हुआ है ना कुछ टर्म, इसको देख कैसा होना चाहिए, x इज इक्वल टू, इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा इधर दिख रहा है a प्लस आई बी के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, सो x इधर a प्लस आई बी के फॉर्म में है। जैसा अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो x इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दिया है इन द सेकेंड वन, सो वी विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दैट सेकेंड क्वेश्चन को a प्लस आई बी के फॉर्म में,
समझ रहे हैं? तो इधर वो है, इसके बाद क्या करने का पता है क्या? जैसे ये हो गया, जो रियल पार्ट है ना उसको अपन x के साथ लेके आएंगे, सो दिस टू विल कम हियर, क्या हो जाएगा माइनस टू, तो क्या हुआ x माइनस टू इज इक्वल टू थ्री आई, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, क्या बोला स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फर्स्ट हम एकदम अच्छे से समझ लो, सेकंड वाला आप खुद से कर पाएंगे फिर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मतलब क्या होएगा, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर ऑफ है, ये पूरे का स्क्वायर होएगा इज इक्वल टू ये थ्री आई के पूरे का स्क्वायर, जमरा आगे इधर क्या यूज करेंगे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर या एक्स माइनस, अपनी ये स्कूल में ये रट्टा मारे, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऑल बेसिक फॉर्मूलाज आ भाई। तो इधर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, टू इंटू एक्स इंटू टू, बराबर ना, ये मेरा एक्स है ये मेरा वाई है, अरे हाँ या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, इधर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जब फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन इंटू माइनस वन, कितना माइनस नाइन, वो माइनस नाइन इधर आ जाएगा, करेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस नाइन, माइनस नाइन इधर आके प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस नाइन इज जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस कितना थर्टीन इज इक्वल टू जीरो। अब इधर ऐसा क्यों करना है, देख जैसे ही अपने ये स्क्वायरिंग किया आई विल ऑलवेज गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं पॉलिनोमियल डिवीजन करूँगा, आपने किया है ये स्कूल में एक बार, अपन करेंगे टेंशन मतलब, ये जो मेरा क्यूबिक इक्वेशन दिया है, क्यूबिक है दिख रहा है एक्स क्यूब या वॉट एवर इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं इससे डिवाइड करूँगा। कैसे देख, अगर मैंने आपको बोला भाई है 25/4 कर, तो आप ऐसा कर सकते 4/25, समझ रहे हैं? वैसे ही अपन इधर आप पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हैं भाई, इसको क्वेश्चन को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे, फिर से जो मेरा क्वेश्चन है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द इक्वेशन दैट यू गेट, तो हमेशा आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखना सेम होगा। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो कैसे लिखा देख ध्यान दे भाई, इसके अंदर कौन आया डिवीजन के साइन के अंदर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, और किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13, राइट, तो वो लिखते इधर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13। अब ये डिवाइड कैसे करते हैं, याद है क्या क्या देखने का, सिर्फ फर्स्ट टर्म देखने का, इधर कौन एक्स स्क्वायर, इधर कौन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को अगर मेरे को एक्स क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू गेट एक्स क्यूब, हाँ या नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो वही अपन ने लिखा इधर एक्स। अब होता क्या, लेकिन ये लिखने के लिए वी जस्ट सी द फर्स्ट टर्म, बट अब ये सब लोग इससे मल्टीप्लाई होंगे, करता हूँ मैं आपको याद आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इंटू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, सही है, थर्टीन इंटू एक्स थर्टीन एक्स, अब क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, सही बोले, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर प्लस साइन आएगा इधर माइनस आएगा, साइन चेंज होता है, राइट, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, फिर से पॉजिटिव फोर है राइट प्लस फोर है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही बोले, थ्री एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थर्टीन एक्स, एक्स माइनस थर्टीन एक्स, सही बोले, माइनस ट्वेल्व एक्स, और अब ऊपर से ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा 46, गिर गया नीचे, हाँ या नहीं, फिर से डिवीजन होएगा क्या, देख डिवीजन ये कब तक करते जाने का, ये जो अपन कर रहे हैं ये डिवीजन कब तक करते जाने का, देख ध्यान से समझ, इधर जो इक्वेशन इधर जो बचा ना ये रिमाइंडर, इसका हायर पावर कितना है, एक्स का टू है, गुड, इधर हायर पावर कितना है, टू है, ये डिवीजन मैं तब तक करूँगा जब तक इधर का जो हायर पावर है ये इससे कम नहीं होता, अगर इधर का x का हायर पावर बिकम्स लेस देन इधर का आई विल स्टॉप माई डिवीजन, क्लियर है, देख समझेगा आपको, मेरे को करने दो पूरा, विल बी वेरी इजी, इधर हायर पावर अभी कितना है टू, इधर कितना है टू, क्या ये हायर पावर इससे कम है, नहीं है भाई इक्वल है, तो करेंगे अभी अपन, देख ध्यान दे फिर से कैसे करने का, फर्स्ट टर्म पे ध्यान देने का, इधर कौन एक्स स्क्वायर है इधर थ्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करके, x इंटू प्लस थ्री इज वॉट थ्री एक्स स्क्वायर, राइट, तो इधर अपन वही लिख रहे हैं ऊपर प्लस थ्री साइन के साथ, लेट्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू प्लस थ्री थ्री एक्स स्क्वायर
माइनस फोर एक्स इंटू प्लस थ्री माइनस ट्वेल्व एक्स, सही बोले, थर्टीन इंटू थ्री 39. अब फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कट, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स, अरे ये भी कट, 46 माइनस 39 कितना, 7. अब कुछ ऊपर से गिरने वाला है नीचे, देर आर नो मोर टर्म्स, फिर से आप देखते हैं. अब वो डिवीजन करने का क्या, आपको समझ गया नहीं, बट मैंने कैसे बताया आपको, इधर का हायर पावर x का कितना, अरे इधर x का टर्म ही नहीं है, बट अगर फिर भी मेरे को चाहिए तो मैं इधर बोल सकता हूँ एक्स रेस टू जीरो है, बिकॉज एक्स रेस टू जीरो इज वन, तो इधर है ही नहीं एक्स का टर्म, तो डेफिनेटली इधर का जो एक्स का हायर पावर है दैट इज लेसर देन ये, इसके आगे डिवीजन और करने का नहीं, इतना क्लियर है. इसके बाद में आपने देखो स्कूल में डिवीजन में ये सीखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन नहीं आवा क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अरे हाँ या नहीं, आपने सीखा है ना क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड कौन रहे बाबा, ये, ओ नहीं ये अंदर वाला डिविडेंड रहता है, डिवाइजर ये जिससे डिवाइड होता है वो डिवाइजर, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर. सो एक बार अपना डिविजन कंप्लीट हो गया ना, फिर वी विल राइट इन दिस फॉर्म, करते हैं डिविडेंड मेरा कौन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इज इक्वल टू, डिवाइजर कौन मेरा ये पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13 इंटू क्वेश्चन कौन है मेरा एक्स प्लस 3 प्लस रिमाइंडर कितना मेरा 7. समझे कैसे लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. अब ये कितना है, डू वी नो दिस वैल्यू, ओ यस, इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13 इज 0. तो मैंने क्या बोला, अबे तू पूरा 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और क्या बचा प्लस 7, ये समझा ना, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 7, ये किसका वैल्यू है, अबे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला आदमी, अरे कितना आया, 7 आ गया ना मेरा आंसर. अरे समझे कि नहीं, प्रोसीजर समझा आपको, पक्का एक बार रिकैप करते हैं, मैं जानबूझ के बहुत स्लो जा रहा हूँ, एक बार रिकैप करते हैं क्विकली, क्या पहले जो x है वो सही फॉर्म में होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, रियल नंबर को लाने का इधर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यों काम आया दिखा गया आपको, सीधा जीरो बनाया भाई इसने इधर. फिर क्या करने का, जो क्वेश्चन है उसको इससे डिवाइड करने का, पॉलिनोमियल डिविजन, फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखा, वॉइस सही भाई, अपना डिवाइजर कितना है, 0 है, चीज है इजी, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू 7, क्लियर है. सो इधर अपना एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है. आई होप आपको सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझाए, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम वेरी इजी. फिर भी कुछ डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो. परफेक्ट, जय हिंद.